लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली एनसीआर और पंजाब के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर पानी भर गया, जिसके चलते सुबह सुबह ही लंबा जाम लगने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फरवरी के आखिरी हफ्ते में तापमान अचानक से बढ़ से गया था, लेकिन मार्च में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। नेशनल डेस्क है, दिल्ली एनसीआर और पंजाब के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर पानी भर गया, जिसके चलते सुबह सुबह ही लंबा जाम लगने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फरवरी के आखिरी हफ्ते में तापमान अचानक से बढ़ से गया था, लेकिन मार्च में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। अचानक हुई बारिश से एक बार फिर से मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश या हिमपात हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार के अलावा शनिवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान और ओडिशा के अलग अलग स्थानों में बारिश के साथ बिजली, ओलावृष्टि और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की तेज गति तक आंधी चलने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिस कारण मैदानी इलाकों में हल्की ठंड बढ़ी है।